सनसनीखेज खबर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले से, जहां पर हमलावरों ने बावर्ची को चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी। बता दें कि जिले के गंभीरपुर थाना क्षेत्र में कल शाम को शादी में खाना बनाकर लौट रहे युवक की लूट के प्रयास में हत्या कर दी गई। युवक का नाम दिलशेर बताया जा रहा है, उसकी उम्र 27 वर्ष थी, जो मऊ जिले के घोसी का निवासी था और आजमगढ़ जिले के देवगांव में किराए के मकान में रहता था। घटना को लेकर पुलिस हमलावरों की गिरफ्तारी में लगी है। कल शाम को दिलशेर बाइक से फरीदगंज चौराहे से थोड़ा आगे बढ़ा, तभी हमलावर उसकी बाइक और मोबाइल लूट लिए, जिसका विरोध करने पर चाकू से मारकर उसे घायल कर दिया गया। जब तक लोग उसके पास पहुंचते, दिलशेर की मौके पर ही मौत हो गई थी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मोहम्मदपुर लाए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक का एक साथी निजामुद्दीन भी उसके साथ था। पूछताछ में उसने बताया कि दोनों साथ में आ रहे थे, तभी उसके मोबाइल पर किसी का फोन आया, इस पर वह पीछे हो गया। जब वह नहीं दिखा तो वापस आया तो वह बुरी तरह से घायल था। घटना की सूचना पर जिले के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस मामले में जांच कर कार्रवाई की जा रही है, जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा। जो जहाँ सर्विसिंग हुई उसकी गाड़ी आ रहा था उसी के आगे पास। क्या हुआ वहाँ पे? हम आगे निकल गए थे तो ये पीछे पीछे आ रहा था, उसके बाद में इसको मारकर चाकू भेज दिया था पानी। या किस जो ये आ रहे थे, इनका क्या नाम है? इनका नाम हुआ दिल से। अच्छा, तो ये किस गाड़ी से थे? सुपर से। अच्छा, और चाकू मारने के बाद क्या किए? चाकू मारने के बाद गाड़ी में चले गए और मोबाइल पानी में फेंक दिया। पानी फेंक के मैं कुछ दूर आ गया और कोई दूसरा फोन किया कि बात मैं घूम लो गया, देखा रोड पर रहा था। देखिए, कल एक सूचना प्राप्त हुई थी लगभग 7:30 बजे शाम को, गंभीरपुर से एक साइड रोड जाती है जो सुनसान रोड है, वहाँ पर एक दिलशेर नाम की व्यक्ति की को किसी ने चाकू मार दिया। पुलिस वहाँ पहुँची, वहाँ से लोग उठाकर उसे हॉस्पिटल ले गए, जहाँ उसे मृत घोषित कर दिया गया। इसके बारे में जानकारी की गई तो ये दिलशेर नाम का व्यक्ति है, 27 साल का है और ये घोसी थाने का रहने वाला है और यहाँ पर जो खाना जो बनाते हैं उसका, जो पार्टी वार्टी में खाना बनाते हैं उसके कारीगर का काम किया करता था और देवगांव में इसने कमरा ले रखा था। इसके चाकू के इसके शरीर पर काफ़ी निशान है और मौके पर भी काफ़ी खून पड़ा हुआ था, ऐसा लगता है किसी ने दौड़ा के इसे पीटा है, मारा है चाकू। और इस संबंध में कुछ जो सूचनाएं हैं वो प्राप्त हुई हैं, उन पर काम किया जा रहा है, बहुत जल्दी केस को वर्कआउट किया जाएगा। सीआईबी इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।